କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯାଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଧରିପାରିବେ ରାଉରକେଲାବାସୀ। ଏଥିପାଇଁ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ଭୋଲ୍ଭୋ ବସ୍ ସୁଟ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ତରଫରୁ ଭୋଲ୍ଭୋ ବସ୍ କିଣା ହୋଇଛି। ଏହି ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ୍, ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଭୋଲ୍ଭୋ ବସ୍ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପରମିଟ୍ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାର୍ଟ ରହିଛି RTO ତରଫରୁ, ସେସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିଛି ସମୟ ପରେ MBI ଆସି ମଧ୍ୟ ଏକୁ ଏହାର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାର୍ଟ ସବୁ ବସ୍ରେ ଚେକ୍ କରିବାର ପ୍ରାବଧାନ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଭୋଲ୍ଭୋ ବସ୍ ଯିଏ ହେଉଛି ହାଇ ମଡ଼ିଫାଏଡ଼୍ ବା ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଭରପୁର ସେଇ ଭୋଲ୍ଭୋ ବସ୍, ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ VS6 ମଡ଼େଲ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେନ୍ସର ଭରି ରହିଛି ୟା ଦେହରେ। ଦେଖ କିଭଳି ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡୋର୍ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଖୋଲିବାର ଅଛି, ବଟମ୍ ଦବାଇଲେ ଡୋର୍ ଖୋଲୁଛି। ଆଉ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏହାର ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ରହୁଛି ସେ ଫୁଲ୍ଲି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର୍, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫେସିଲିଟି ଯେଉଁ ଭୋଲ୍ଭୋ ବସ୍ରେ ଯିଏ ରହେ ସେ ଫେସିଲିଟି ଅଛି। ଆଉ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ସିଟ୍ ରହିଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବସି ଯାଇପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଭୋଲ୍ଭୋ ବସ୍ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖାଉଛି। ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଆସି ଏଇ ଦୁଇଟି ବସ୍ ପହଞ୍ଚିଛି, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଯେଉଁ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପଇସାରେ ବା ଯେଉଁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 3,000-4,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କାର୍ ରେଣ୍ଟରେ ନେଇ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କାର୍ ରେଣ୍ଟରେ ନେଇ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମାତ୍ର ଏ 300 ଟଙ୍କା, ପ୍ରାୟ 300 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଯାହା ଆମେ RTOଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲୁ, 300 ଟଙ୍କାରେ ଲୋକ ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତେବେ ଅତି ସୁବିଧାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆଉ ଦୁଇଟି ବସ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କନେକ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରହିଛି ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହାର ଯେଉଁ ପରମିଟ୍, ସେ ପରମିଟ୍ ତାକୁ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଇଏ ପୁରା ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ସେନ୍ସର। ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଡ୍ରାଇଭର ମାସଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଥୋଡ଼ା ଦେଖାଇବେ ଇସ୍କା କ୍ୟା କ୍ୟା ସେନ୍ସର ହେ ବସ୍ ମେ, जो इसका आगे पीछे हाँ क्या है वो मॉनिटर पीछे है, वो मतलब गाड़ी पीछे आएगा वो उसमें दिखेगा, मतलब उसको समय से उस ब्रेक मार सकते हैं ऐसे देख के, वो पीछे है। और क्या क्या सब सिस्टम है इसमें? एयर बलून है, ऐसे गाड़ी ऊपर उठेगा, ये जो मारे अभी गाड़ी ऊपर, मतलब स्पीड ब्रेकर में है जाड़ी गाड़ी, और नहीं बटन दबाना पड़ेगा, इसमें ऑप्शन ये है, फिर रनिंग कंडीशन में फिर नीचे करके ऐसे जाना, स्पीड में जा सकता गाड़ी, मतलब एक्सीडेंट नहीं होगा? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप कब निकले वहाँ से, कहाँ से लेके आए? मैं से शुक्रवार को निकला वहाँ से, बेंगलोर से, अभी आज पहुँचा इधर। कितना घंटा लगा यहाँ पहुँचने के लिए? मतलब घंटा मतलब हम लोग रेस्ट लेते हैं, दो दिन तीन दिन में लग गया। इसका स्पीड कितना रहेगा? 80 में बस, 80 तक चला सकता है नॉर्मल स्पीड। और क्या क्या फीचर है, कंफर्ट कैसा है वोल्वो बस? गाड़ी में बहुत अच्छे है चलाने के लिए, और पैसेंजर के लिए भी बहुत अच्छा है। फुल्ली एयर कंडीशनर? एयर कंडीशनर पूरा। और क्या सेंसर क्या क्या दिया हुआ है थोड़ा देख बताएंगे? सेंसर क्या क्या सेंसर है, सेंसर कैमरा क्या क्या है? वो ये कैमरा यही है, और इसमें दिया, फिर इसके बाद वो स्टार्टर दिया है, वो गाड़ी मतलब ब्रेक मतलब जाम होगा चढ़ाई के बाद, उसको स्टार्ट करके निकल सकता गाड़ी, बंद गाड़ी पीछे नहीं आएगा, ऐसे मूव हो जाएगा ऐसा। ये जो सेंसर दिया है, जो कैमरा दिया है, सडनली कोई अगर आगे आ जाता है या साइड में आ जाता है, ऐसे कुछ है इसमें? है सर, ब्रेक है, तीन ब्रेक सिस्टम है, इसको खींचेगा एक मतलब ऑटोमेटिक है, एक वो इसमें आएगा तो रेडियटर ब्लैक, ये देखो ये लीवर है, ये मतलब जाने के टाइम ऐसे रख के चला सकता है, एमरजेंसी मतलब ब्रेक मतलब रुकना, इसको खींच के एक्सलेटर को छोड़ देने का, गाड़ी स्लो हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा, और ज़्यादा करना और दो नंबर खींचो और स्लो हो जाएगा। गाड़ी अगर 80 का स्पीड में है, मान लीजिए हाईएस्ट स्पीड में 80 का, 100 का स्पीड में है, तो कंट्रोल स्मूथली हो जाएगा? हो जाएगा, ये लेवर ऑपरेट करना पड़ेगा, हाँ मतलब ब्रेक मारने का तो ब्रेक मारने की जरूरत नहीं है, वो खींच लेगा एक्सलेटर से, पैर हट जाओ गाड़ी स्लो से रुक जाएगा गाड़ी, फिर उसके बाद सर्विस ब्रेक लग के गाड़ी रुक सकते हैं। देखिए आप तो एक्सपीरियंस ड्राइवर है, काफ़ी गाड़ी चला रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई गाड़ी लेके कहीं स्टेट में या कहीं शहर में आप जाते रहेंगे, लेकिन जो नॉर्मल ड्राइवर है इसको चला पाएंगे? मतलब ट्रेनिंग लेना पड़ेगा सर, 5 दिन, मतलब इसको गाड़ी वो कैसे चलाना, इसका RPM चला, RPM मेंटेन करके गाड़ी चलाना, और नॉर्मल गाड़ी जैसे इसको एक्सलेटर नहीं दबाने का, उसको 15 के 10 के अंदर गियर चेंज करना पड़ेगा, तो इसके लिए मतलब ट्रेनिंग देना पड़ेगा? ट्रेनिंग देना पड़ेगा, बिना ट्रेनिंग का नहीं चला सकते।
आपण माने देखुतले फ्यूचर जो रही गाड़ी रे से फ्यूचर लोक मान को कहते ड्राइवर कहते माने सब हाई टेक्नोलॉजी रा फ्यूचर रही एमती गाड़ी रा स्पीड 80 रु 100 अच्छी जो लिवर ब्रेक अच्छी से जो ब्रेक द्वारा कंट्रोल करहब गाड़ी को आ गाड़ी रा स्पीड माने एक्सीडेंट होबार चांसेस गाड़ी रा बहुत कम रही तबे निश्चित भाव एक जो ड्राइवर अच्छा से नॉर्मल ड्राइवर एक चल पारे जो गाड़ी को चलैपी तो ड्राइवर मान को स्वतंत्र ट्रेनिंग दिया जिवो जहाँ आरएमसी तरफ सूट तरफ व्यवस्था करा जिवो से ड्राइवर माने ट्रेनिंग नेला ही गाड़ी को चल पारे कि सबुठ बड़ कथा हूँ एयरपोर्ट जावाई जो राउरकलें झारसुगुड़ जो फ्लाइट धरियापाई राउरकला लोक मैंने कि राजगमपुर लोक मैंने हूँ जो जाऊ पानपोस कथा बेदव्यास कथा कहतु जो सब पाखआख एरिया जो लोक मैंने झारसुगुड़ा जावाई प्राइवेट कार रेंट नौले खर्चातर पड़ू तीन चार हजार टाँग कार रेंट का 5,000-6,000 पर्यटन कार रेंट दे झारसुगुड़ा फ्लाइट धरवाक पड़ूगा लोक मूँ मैंने फ्लाइट टिकेट ठू अधिक पैसा से मानक कार भड़ा ही खर्च करने को पड़ूगा तेरे यही जो जिनस को आखि आगे रखी आरएमसी जो पदक्षेप नहीं आरएमसी तरफ जो पदक्षेप निया दुईट वोल्वो बस चलैपाई जो व्यवस्था कराई चिंता कराई और वोल्वो बस आसी पहुँची जा तेज निश्चित भाव राउरकलावासी जो मैंने फ्लाइट जावासिया कर खुशी खबर ते देखा जाने कि लोक मैंने केते खुशी व्यक्त करो बस केबेठू कार्यक्रम होउची राउरकेलारू कैमरा पर्सन रविदास अमीर रंजन पड़ा अर्गस न्यूज़।